प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी सारे जो टॉप वेयर हैं वो कपड़े आपको इस ब्रांड के देखने को मिले। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सेल बकेट एंड माय नेम इज कुमकुम। सो आज की वीडियो होने वाली है ह्यूज मिंत्रा टॉप वेयर हॉल। सो अभी तक मैंने बस लोगों को देखा था, मतलब लोगों की वीडियो देखी थी क्लॉथिंग हॉल वगैरह की, बट पहली बार मैं खुद की जो है क्लॉथिंग हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ। सो मैंने मिंत्रा से ख़रीदे हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉप एंड टी शर्ट मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं, एंड एक मुझे कल ही रिसीव हुआ था जिसकी वजह से ये वीडियो डिले हो रही थी। ठीक है, सो हेयर वी हैव अवर टी शर्ट एंड टॉप। तो इस हॉल वीडियो का प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी सारे जो टॉप वेयर हैं वो अंडर 300 रुपीज़ होने वाले हैं। वीडियो में टोटल 6 आइटम होने वाले हैं जिसमें से 2 टॉप हैं एंड 4 टी शर्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। सो सबसे पहले वी हैव दिस राउंड नेक येलो कलर का टी शर्ट काइंड ऑफ टॉप। सो वेबसाइट पे इसका नाम था नीटेड क्रॉप टॉप, एंड ये है फ्रॉम दी ब्रांड कॉल्ड टोक्यो टॉकीज। एंड ये ब्रांड ना मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि लाइक प्राइस वाइज भी एंड डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े आपको इस ब्रांड के देखने को मिल जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेज में। सो अब बात करते हैं हमारे टॉप की। सो इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, एंड मैंने इसको परचेज़ किया था 212 रुपीज़ में। फैब्रिक वाइज एंड चीप क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड देन सेकेंड टॉप जो मेरे पास है वो भी टोक्यो टॉकीज़ ब्रांड का ही है, एंड ये है कुछ इस तरह का टॉप ना। इसका डिज़ाइन जो है शर्ट काइंड ऑफ भी है, एंड थोड़ा सा आगे से पेपलम टॉप टाइप का भी लगता है, एंड सामने से इसके आपको बटन डिटेलिंग मिल जाती है, एंड पीछे भी काफ़ी पीछे भी काफ़ी क्यूट सा डिज़ाइन आपको मिलता है, एंड पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है ये। एंड कुछ इस तरह की आपको स्लीव्स पे डिटेलिंग मिल जाती है। सो जो फैब्रिक है वो है पॉलिएस्टर फैब्रिक। सो जो प्राइस है जो मैंने लिया था, मैंने इसको लिया था 249 समथिंग में, 250 के अंदर ही था। डिसएडवांटेज इसका यही है कि थोड़ा सा सी थ्रू है, एंड दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये टॉप ना थोड़ा सा डेलिकेट है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो स्टिचेस वगैरह करके बना हुआ है, तो स्टिचेस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मेरे को नहीं लगी, एंड बहुत ही डेलिकेटली आपको इसको वेयर करना होगा, अदरवाइज इसकी जो स्टिचेस हैं वो खुल जाएंगी और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा इसका। एंड बस एंड 250 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सो आप इसे कैजुअली और फॉर्मली दोनों तरह से वेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टी शर्ट्स की, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टी शर्ट्स। सो सबसे पहले है ये लेवेंडर कलर का टी शर्ट, एंड इसका जो ब्रांड है वो है हेयर एंड नाउ। सो कुछ इस तरह का ये दिखता है, एंड इसका जो प्रिंट है वो ऐसा नहीं है कि आपको वॉश करने के बाद निकल जाएगा, इसका प्रिंट काफ़ी सही है एंड मटेरियल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट है। सो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एंड साइड में आपको दिख ही रहा होगा ट्राई ऑन में। सो एंड आई एम इन दी साइज़ एस। सो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा इसका मटेरियल, एंड कॉटन फैब्रिक है इसका, एंड मटेरियल भी काफ़ी इसका अच्छा है, एंड प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लगा, तो ओवरऑल जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसका जो प्राइस है मुझे जो पड़ा है वो आई थिंक 270 रुपीज़ मैंने चार्ज मतलब पे किया है इस टी शर्ट के लिए, एंड 270 रुपीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सही है ये। ठीक है, टी शर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मैक्स ब्रांड की। सो फर्स्ट वन इज़ दिस वाइट कलर का टी शर्ट, एंड इट सेज़ पावर 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 टू गर्ल्स। सो ये है, एंड इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, एंड वाइट कलर का है, बट थोड़ा सा मेरे को हल्का सा सी थ्रू लगा ये भी। ठीक है, सो आप देख सकते हो, सो हल्का सा सी थ्रू मेरे को लगा, एंड इसका भी जो प्रिंट है वो ऐसा नहीं है कि वॉश करने के बाद निकल जाएगा, सो काफ़ी अच्छा प्रिंट है। एंड इसमें जो मेरा साइज़ है, मेरा यूजुअल साइज़ एस वगैरह रहता है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज़ में ही मैं जो है परचेज़ करती हूँ कुछ भी।
बट ये जो है मैंने एल साइज़ में लिया है, एक्चुअली इसका साइज़ एक्सेल है, या एक्सेल साइज़ में, इतना बड़ा साइज़ होने के बाद भी। सो थोड़ा सा ओवर साइज़ फिटिंग काइंड ऑफ चाहिए था मेरे को, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अपने साइज़ से बड़े साइज़ में लिया है, क्योंकि ये बॉडी हगिंग टाइप वाला, मतलब बॉडी फिट वाला टी शर्ट था, तो इसलिए मैंने इसको अपने साइज़ से बड़े साइज़ में लिया है। हाँ, सो काफ़ी अच्छा लेंथ है इसका, एंड काफ़ी ब्रीदेबल एंड कम्फर्टेबल फैब्रिक है इसका, एंड इसका जो प्राइस था वो है 249 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट टी शर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी मैक्स की ही टी शर्ट है, जो कि मैंने मिंत्रा से परचेज़ किए हैं, एंड कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है, एंड इट सेज़ एन्जॉय द नाउ, एंड इसका भी जो फैब्रिक है सुपर सॉफ्ट है एंड काफ़ी अच्छा है, एंड कुछ इस तरह का फोल्डिंग वाला डिज़ाइन आपको मिलता है, एंड इसमें भी जो मेरा साइज़ है, इसमें भी मेरा साइज़ है एल। सो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ लग रहे हैं सुनने में, बट पहनने के बाद आपको साइड में दिख ही रहा होगा कि इतना ज़्यादा झमकमक झोला टाइप की नहीं है ये। इसका प्रिंट पता नहीं वॉश करने के बाद निकलेगा नहीं निकलेगा, बट लग तो नहीं रहा कि निकलेगा, एंड क्वालिटी वाइज सब अच्छा है, एंड का जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ था। सो लास्ट जो टी शर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये, सो जितनी भी मैंने टी शर्ट एंड टॉप वगैरह जो भी शेयर किए हैं आज की इस वीडियो में, ये सबसे चीप है, उन सबसे चीपर है इन प्राइस। तो ये कुछ इस तरह का है, सामने से इमोजी वाला डिज़ाइन इसका है, एंड इसका जो फैब्रिक है मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, मतलब शर्ट पहनने के बाद इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता नहीं है, उसके बाद इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा अजीब सा है। इस पर जो है एक दो बार मैंने वेयर किया है, एंड इस पर थोड़े से जो है रुएँ आना शुरू हो गए हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ये मैंने बस 175 रुपीज़ का लिया था, मुझे ऑफ़र में दिख गया था काफ़ी सस्ता, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया, बट रिसीव होने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुआ। बट इसका जो फिटिंग है काफ़ी सही आता है, एंड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ओवर साइज़ टी शर्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मेरा साइज़ है एस साइज़, सो क्योंकि ये पहले से ही ओवर साइज़ डिज़ाइन में है, इसलिए मेरा साइज़ जो है एस है इसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अगर आप चाहते हो मिंत्रा बॉटम वेयर हॉल देखना तो कमेंट कर देना, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू मेक मिंत्रा बॉटम वेयर हॉल एज वेल, सो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको जल्दी से जल्दी मिंत्रा बॉटम वेयर हॉल भी चाहिए तो, मतलब सारी जो टी शर्ट्स वगैरह हैं, टॉप वगैरह हैं, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होंगे, एंड बाय बाय, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, बाय।